हैं, आज एक प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें इवन और ऑड हम चेक करते हैं नंबर्स को, कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। ठीक है, हम कोई एक नंबर इंटर कराएंगे और उसके बाद हम चेक करते हैं। तो हम प्रोग्राम बनाते हैं जो हमने पहले ही सीरीज में बनाया हुआ है, और बेसिक सारे हम प्रोग्राम सभी लिख रहे हैं कि जिससे आप लोग का बेसिक प्रॉपर हो जाए। ठीक है, तो एक हम क्लास बनाते हैं, पहले इसका इवन ऑड नेम कुछ नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, इवन ऑड नंबर, ठीक है, इसको हम मेन मेथड बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि इवन और ऑड नंबर हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी प्रोजेक्ट्स करोगे ना, कहीं ना कहीं आपको यूज में आ जाते हैं ये सब। जितना भी मैं इस सीरीज में बता रहा हूँ ना, वो सारे आपको सभी प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं आपको यूजफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि चेक इवन ऑड नंबर। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक पहले एक इंटीजर नंबर लेते हैं, वेरिएबल ले लिया, इसमें जो भी आप वैल्यू दीजिए हमने 10 दे दिया। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि ये 10 जो नंबर है ये हमारा इवन है या फिर ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम कंडीशन लगाएंगे पहले, इफ नम परसेंटाइल करेंगे हम। ठीक है, इसमें हम 2 से टू करेंगे, जैसे कि अगर ये इससे डिविजिबल होगा तो हमारा वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो हम उसको आप ऐसा कर सकते हो, अभी यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, एसओपी हमने लगा दिया, ये इवन नंबर है। ठीक है, ये नम को प्रिंट करा लेता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ मैं, दिस इज इवन नंबर। ठीक है, तो मैं इसके आगे नंबर्स को प्रिंट करा देता हूँ मैं। ठीक है, और अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो हमारा इस केस में आएगा कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, लिख दिया मैंने दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, तो अभी हम प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पर भी हम नम प्रिंट करा देते हैं पहले। ठीक है, और चेक करते हैं, रन करता हूँ मैं, राइट क्लिक किया, ओके, ऐसे जाओ हम रन करते हैं, तो ये हमें पता चलेगा ये इवन नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह 11 कर देता हूँ अभी मैं, ठीक है, चेक करते हैं। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ मैं, अभी ये क्या बताता है, दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हमारा ये कंडीशन लगा के हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। और ये देखिए, इफ एल्स लगाने से एक और भी ऐसे तरीके से आप लगा सकते हो, ये आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप किसी एक लाइन में चीजें डिफाइन करते हो। तो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट कर लेता है कि नेक्स्ट लाइन वो उसी का कंडीशन का वर्किंग है। तो देखो ऐसे भी ये काम करता है, हम रन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखो ये एरर थ्रो नहीं किया कुछ भी। तो आप इस तरीके से बिना ब्रैकेट्स के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए अगर कोई ऑथेंटिकेशन कर रहे हो आप लोग तो। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और भी छोटे छोटे आपके लिए प्रोग्राम लाते हैं जो आपके यूजफुल हो, डेली यूजफुल हो। ठीक है, आप किसी भी प्रोग्राम में किसी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो उसको लिए बेनिफिट होगा। ठीक है।